सीएम योगी माँ विंध्यवासिनी की करेंगे पूजा अर्चना। निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे। विकास कार्य को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। नेशनल अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कॉन्क्लेव का सीएम योगी ने किया शुभारंभ। आम नागरिक के जीवन के उत्थान को बताया सरकार का लक्ष्य। अधिकारियों से मांगे सुझाव। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक। बैठक में तय किया गया आगामी बैठकों का एजेंडा। 27 सितंबर को होगी मुरादाबाद कमिश्नरी की बैठक। 28 सितंबर को होगी बरेली कमिश्नरी की बैठक। सीएम योगी ने यूपी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। अयोध्या के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम ने जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में कल भी भारी बारिश का अलर्ट। गाजियाबाद नोएडा समेत कई जगहों पर 8वीं तक के स्कूल बंद। लगातार हो रही बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव। लखनऊ में एसडीपीआई नेता मोहम्मद अहमद बैग गिरफ्तार। देश में विद्रोह फैलाने की रच रहा था साजिश। लैपटॉप मोबाइल और राष्ट्र विरोधी दस्तावेज जब्त। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आजम खान मामले में हस्तक्षेप की गुहार। विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने मुलाकात की। कहा आजम पर दर्ज हो रहे फर्जी मुकदमे। बीएसपी सांसद अतुल राय की बड़ी मुश्किलें। रेप के आरोप में बरी करने के फैसले को सरकार ने दी हाई कोर्ट में चुनौती। एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को 5 साल की सजा। गैंगस्टर एक्ट के 23 साल पुराने मामले में हुई सजा। हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने सुनाई सजा। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। ऋषिकेश में अंकिता हत्याकांड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा आरोपियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। पीड़िता को दिलाएंगे इंसाफ। अंकिता हत्याकांड पर गरमाई पहाड़ की सियासत। अंकिता केस के बहाने पूर्व सीएम हरीश रावत का सरकार पर हमला। कहा यह घटना पहाड़ की अस्मिता के लिए चुनौती। पुलिस को अभी भी नहीं मिला अंकिता का शव। पुलिस एसडीआरएफ कर रही शक्ति नहर में शव की तलाश। रिजॉर्ट मालिक समेत 3 गिरफ्तार। उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग छोटे वाहनों के लिए खुला। 36 घंटे बाद भी बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं। करीब 2000 यात्री राजमार्ग पर फंसे। उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों को रद्द किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। बागेश्वर जिला प्रशासन के आला अफसर जन समस्या सुनने के लिए दुर्गम क्षेत्र श्यामा पहुंचे। डीएम ने कई समस्याओं का तत्काल निपटारा किया और बाकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। नामी सरकार के 6 महीने के कार्यकाल की केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सराहना की। अजय भट्ट ने कहा कि पिछले 6 महीने बेहद अच्छे और ऐतिहासिक रहे। उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र के बगोरी से जसपुर गांव जा रहे 2 युवक पानी के बहाव में बह गए। जिनमें से एक का शव निकाला गया। दूसरे युवक के शव की तलाश जारी। उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना पुलिस ने लव जिहाद के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। दानिश नामक इस आरोपी ने दीपक बनकर न सिर्फ इस युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर भर्ती की जांच पूरी। रिपोर्ट मिलने के बाद ऋतु खंडूरी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सभी भर्तियों को किया जाएगा रद्द। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन। भूस्खलन से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। हाईवे पर लोगों की आवाजाही रोकी गई। गरजते पहाड़ से बड़ी मुसीबत। बीआरओ के जवान और लोगों ने भागकर बचाई जान। केदारनाथ और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बाद निचले इलाकों में बढ़ी ठंड। अलीगढ़ में बारिश का कहर। बारिश के चलते भरभरा कर गिरा मकान। मलबे में दबे 9 लोगों का किया गया रेस्क्यू। हादसे में पालतू कुत्ते की मौत। हमीरपुर में आसमानी आफत का कहर। बांध टूटने से 40 से 50 घर पानी में बहे। सैलाब में फंसे लोगों ने भागकर बचाई जान। 250-300 लोग हुए बेघर। बिजनौर में कोटावली नदी का बढ़ा जलस्तर। लगातार बारिशों से उफान पर नदियां। लोग जान जोखिम में डालकर नदी कर रहे पार। आजमगढ़ में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर। जलस्तर बढ़ने से 45 गांव प्रभावित। बाढ़ चौकियों को किया गया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में डूबी। गुरुग्राम में प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की सलाह। अखिलेश यादव ने सपा विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट किया। कहा सदन में नहीं सुनी गई हमारी बात। सरकार ने नहीं दिया कोई संतोषजनक जवाब। पैदल मार्च में यूपी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। छात्रों की फीस बढ़ाई गई। किसानों के गन्ना का नहीं हुआ भुगतान।
अखिलेश की राज्यपाल से हुई मुलाकात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बोला हमला, कहा अखिलेश और सपा दोनों हो चुके हैं जिरे। यूपी विधानसभा में सीआरपीसी विधेयक हुआ पेश, गंभीर महिला अपराधों में नहीं होगी अग्रिम जमानत। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बवाल जारी, फीस बढ़ोतरी पर छात्र कर रहे प्रदर्शन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने मुड़वाया सिर, 18 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे छात्र। प्रयागराज में हिंदू लड़की से मुस्लिम युवकों ने छेड़छाड़ की, पुलिस ने वायरल वीडियो का तुरंत लिया संज्ञान। वीडियो के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान की गई। अयोध्या में नगर निगम के पार्षदों का धरना, अधिकारियों के रवैये से नाराज पार्षद धरने पर बैठे, जल आपूर्ति बाधित होने से आक्रोश। कानपुर में आईटी अधिकारी का 1.5 साल बाद घर से निकाला गया शव, 2021 में मौत के बाद से परिजनों ने घर में रखी थी लाश, कुछ रात में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने पर हुई जांच के बाद खुलासा। प्रयागराज में कचहरी के अंदर वकील हत्याकांड मामले में आरोपी दरोगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, दरोगा पर कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया। उत्तर प्रदेश वेरा ने प्रदेश के 13 प्रमोटर्स पर 1,39,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया, प्राधिकरण की 104वीं बैठक में लिया गया फैसला। हरदोई में एसपी ने बांग्लादेशी अपराधियों के पकड़े जाने के बाद शुरू किया ऑपरेशन चक्रव्यूह, नए चेक पोस्ट बनाकर चलाया चेकिंग अभियान, 24 घंटे रखी जा रही अपराधियों पर नजर। यूपी एसटीएफ ने सॉल्वर गैंग के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया, यूपी टीईटी परीक्षा में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलने का आरोप। गाजीपुर में जमीनी विवाद में चली गोलियां, पिता की हुई मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल, दुल्हेपुर थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव का मामला। संत कबीरनगर में 1 करोड़ की विदेशी सिगरेट बरामद, छापेमारी में 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जालौन में बिजली चोरी पर रोकथाम और राजस्व की वसूली को लेकर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, धारकों पर 70 करोड़ रुपए है बकाया। कन्नौज में ओडीओपी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए लगी प्रदर्शनी, इत्र अगरबत्ती समेत कई प्रोडक्ट्स को प्रदर्शनी में शामिल किया गया। महोबा दौरे पर आए उत्तर प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी शाहिद मंजर अब्बास रिजवी ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। हरदोई में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल जमाव, हाईकोर्ट के अंदर जज के चैंबर में बारिश का पानी घुसा, चैंबर में पानी घुसने से न्यायिक कामकाज प्रभावित रहा। पीलीभीत में 2 पक्षों में हुए विवाद के बाद एक महिला की पीट पीट कर हत्या, आरोपी पक्ष की खिड़की के आगे दीवार खड़ी करना चाहता था, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। महोबा पुलिस ने यूपी के 3rd नंबर की टॉपर छात्रा के ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज, एडीजी प्रयागराज की जनसुनवाई के दौरान मामला आया सामने, पैसे के लेन देन को लेकर गांव में हुआ था विवाद। लखनऊ के इंदिरा नगर में बंद दरवाजा काटकर चोरों ने लाखों की चोरी की, घटना को अंजाम देने वाले 3 चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद, इंदिरा नगर के एहसान नगर की घटना। ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद, मारपीट करने के बाद युवक को जबरन उठाकर ले गए दबंग, जबरन बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए वीडियो वायरल, सकीरपुर 130 मीटर रोड थाना सूरजपुर का मामला। मुजफ्फरनगर में स्थित चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही अग्निवीर की भर्ती, भारी बरसात के चलते स्थगित, भर्ती में हिस्सा लेने वाले युवाओं को टोकन देकर अलग से बुलाया जाएगा। सहारनपुर में थाना बिहारीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 75 पेटी अवैध शराब के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। बरेली में उपजिलाधिकारी और तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी, मनमाने ढंग से कार्यों को निपटा रहे दोनों अधिकारी, अधिवक्ताओं की हो रही अनदेखी। कुशीनगर में जंगली जानवरों से दहशत में ग्रामीण, खेत जाते वक्त कई ग्रामीणों पर किया जाने वाला हमला, वन विभाग ने लकड़बग्घा और भेड़िए की जताई आशंका। विध्यांचल धाम में पहली बार विदेशी फूलों से सजावट की जाएगी, नवरात्र में थाईलैंड की जमीन पर उत्पादित फूलों से मां का धाम सजाया जाएगा। आजमगढ़ में वोकल फॉर लोकल के तहत 3 दिवसीय ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन, बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव, एडीएम और बीजेपी जिलाध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। भदोही में पंचायत सहायक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, चुनावी रंजिश को लेकर हत्या कर शव नदी में फेंका था।
अमेठी में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत, हरियाणा में सड़क हादसे में गई जान, एक साथ पिता पुत्र की अर्थी उठने पर परिजनों और ग्रामीणों में शोक की लहर। आजमगढ़ में शेयर मार्केट के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाला एक वांछित गिरफ्तार, बिलियारीगंज थाने में पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई थी। कन्नौज में सौरिक ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे सदस्य, त्रिपुर क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने हटाए जाने की उठाई मांग। अमरोहा के डिडोली कोतवाली पुलिस ने 1 किलो डोडा चूड़ और आधा किलो चरस के साथ 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए। अल्मोड़ा में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति साह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, गंदगी देख नाराजगी जाहिर की। बागपत में शराब पीने के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष, एक युवक पर धारदार हथियार से किया जानलेवा हमला। हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, 2 झुलसे, राजस्व विभाग और पुलिस कार्यवाही में जुटी, एडीएम मुआवजे का दिया आश्वासन। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता के भतीजे को बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार, लखनऊ रेफर किया गया। रायबरेली में मुठभेड़ के बाद पुलिस के हत्थे चढ़े 3 बदमाश, आते चोर गैंग के सदस्य निकले, कब्जे से 5 लाख के आभूषण और 3 लाख रुपए नगद बरामद। हमीरपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, घायल को नहीं मिली एम्बुलेंस, चारपाई पर लेटाकर घायल को लाया गया अस्पताल, कच्चा मकान गिरने से घायल हुआ था युवक। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजवंगी गैंग से जुड़े 4 बदमाशों से मुठभेड़, यूपीएसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का नामी रवि यादव और दिग्विजय घायल। शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा, राहगीरों पर ट्रक पलटने से 1 बच्चे समेत 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। कानपुर में दबंग मां बेटी की दबंग गई आई सामने, मां बेटी ने मिलकर एक महिला की पिटाई की, महिला चीखती रही, मां बेटी को नहीं आई रह। उन्नाव में सपा नेता सुरेश पाल की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, धोखाधड़ी समेत 22 मुकदमे दर्ज, एसडीएम और सीओसीटी की मौजूदगी में की गई कार्रवाई। संभल में हिंदू महिला को जबरन ईसाई बनाने का प्रयास, ईसाई मिशनरी की महिलाओं ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की, घर में घुसकर देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां जलाई। रायबरेली में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर की गई कार्रवाई। शिवपुरी जिला कारागार में बंदी की बिगड़ी हालत, कई दिनों से सीने में दर्द की थी शिकायत, कारागार प्रशासन ने नहीं दिया कोई ध्यान। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर पालिका की चेयरपर्सन फूलमती से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पत्नी के ऑपरेशन का पैसा चुकाने के लिए आरोपी ने बनाई रंगदारी की योजना। गाजियाबाद में बुजुर्ग की हत्या से हड़कंप, गोद ली गई बेटी पर हत्या का शक, थाना कोशांबी के वैशाली सेक्टर 4 की घटना। कानपुर में मेट्रो की आमदनी बढ़ाने के लिए मेट्रो में शुरू किया गया बर्थडे सेलिब्रेशन, 2 परिवारों ने मेट्रो ट्रेन की कोच में मनाया बच्चों का जन्मदिन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हत्या के वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया, आरोपी ने पूछताछ में कबूल किया जुर्म। फरुखाबाद में गंगा नदी के कटान के चलते परेशान लोग, खुद का आशियाना तोड़ने को मजबूर। मुजफ्फरनगर में चोरी के इरादे से घर में घुसे बदमाश, चोरी का विरोध करने पर 1 युवक को मारी गोली, मौके से फरार हुए बदमाश। शामली में चौकी चौसाना से फरार 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पकड़े गए दोनों आरोपी पर पुलिस ने 20,000 का इनाम घोषित किया। बिजनौर में जान जोखिम में डालकर नाव पर जा रहे लोग, जिला प्रशासन ने बाढ़ को देखते हुए जारी किया अलर्ट। एनआईए का पीएफआई पर सबसे बड़ा खुलासा, आईएसआईएस में मुस्लिम युवकों की कर रहा भर्ती, टेरर फैक्ट्री के लिए विदेश से होती थी फंडिंग, कार्रवाई के विरोध में केरल में बंद। कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए केंद्र ने जारी की एडवाइजरी, कहा बढ़ रहा है हेट क्राइम, सतर्क रहें और सावधानी बरतें। पंजाब में आईएसआई के मौजूद का पर्दाफाश, पंजाब पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, हथियार जब्त, आईएसआई के इशारे पर बड़ी वारदात की थी तैयारी। गैंगस्टर के आतंकियों से साठगांठ के आरोपों को लेकर नीरज बवाना पर एनआईए का कसा शिकंजा, 5 दिन के एनआईए कस्टडी में नीरज बवाना। लालू नीतीश को अमित शाह की सीधी ललकार, बोले 2024 में बिहार से जोड़ी का होगा सुपड़ा साफ, नीतीश ने पहले बिहार की जनता को धोखा दिया, अब लालू को भी देंगे धोखा। पर्यावरण मंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन, पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, कार्यक्रम में जुड़े पीएम। पर्यावरण सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी, हम हमेशा प्रकृति के पोषक रहे। पंजाब में आईएसआई के मौजूद का पर्दाफाश, पंजाब पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया, आतंकियों के पास से हथियार बरामद। पंजाब में आतंकियों के पास 1,5790 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद, आईएसआई के इशारे पर बड़ी वारदात की तैयारी थी।
कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले अगर चुना गया अध्यक्ष तो कौन बनेगा सीएम, ये राहुल सोनिया तय करेंगे। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान की बिगड़ी तबियत, बेहतर इलाज के लिए भेजा गया दिल्ली एम्स, गुरुवार शाम बिगड़ी थी तबियत। झारखंड में 24 घंटे जनता की समस्याओं को सुनने की पहल, हेमंत सोरेन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, बीजेपी ने सावधानी शामिल। केरल के कई जिलों में पीएफआई की गुंडागर्दी, बंद के नाम पर तिरुवनंतपुरम में ऑटो और कार में तोड़फोड़, कई जगहों पर पुलिस से झड़प। एकनाथ शिंदे गुट को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका, शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे को कोर्ट ने दी रैली करने की इजाजत, शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। पटना में सीबीआई का बड़ा एक्शन, 5 लाख रिश्वत लेते पकड़े गए एनएचएआई के सीजीएम, पर रिसर्च मिला 60 लाख कैश, 8 और ठिकानों पर सीबीआई के छापे। डॉक्टर एम श्रीनिवास दिल्ली एम्स के नए डायरेक्टर, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया रिटायर हुए। केदार घाटी में बर्फीला तूफान, केदारनाथ धाम के पास एवलांच कैमरे में कैद हुई एवलांच की तस्वीरें।